खुदा ने आपको रीढ़ की हड्डी दी नहीं है। आप उन चंद बेवकूफ लोगों में से हो जो कहीं भी सुनते हैं, यहां सुनते हैं, वहां घुस जाएंगे, यहां चले जाएंगे। बहुत सारे एलिगेशन लगाए आप लोगों ने, मैं चाहूं तो हर एक चीज का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो शोएब और दीपिका इतना भड़क उठे? तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा बहुत टाइम से जो अम्मा है यानी कि शोएब और दीपिका की नानी, वो बहुत टाइम से मुंबई में नहीं है। वो अभी देखा जाए तो मौदाहा में ही एक छोटे से रूम में रह रही हैं अपने घर पे। अभी हाल ही कुछ दिनों पहले शोएब इब्राहिम के कजिन भाई जो मौदाहा में रहते हैं, जिनकी मुझे लगता है शायद कोई खास बॉन्डिंग नहीं है शोएब से, कभी वो शोएब का फेवर करते हैं, कभी वो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। अभी बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने व्लॉग में पब्लिक को बोला कि वो अपनी दादी से मिलवाएंगे सबको। उनकी दादी वही अम्मा है जो शोएब और सबा की नानी है जो मुंबई में रहती है। तो उन्होंने क्या किया, दादी से बात करते करते उनका वॉइस और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फ्रेंड्स, ये तो हम लोग को पता है बच्चों का दिमाग और बुजुर्गों का दिमाग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही मासूम होते हैं। अब दादी को क्या पता था कि उनका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं उनकी रिकॉर्डिंग तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, बट हाँ जो एक्चुअल बात हुई है वो ज़रूर आपको बता सकती हूँ। तो शोएब के कज़न ने बहुत ही चालाकी से अम्मा से पूछा कि और अम्मा मुंबई के बारे में कुछ बताओ, वहाँ कैसा क्या रहता है। तो उनकी अम्मा ने बहुत ही इनोसेंटली जवाब देते हुए ये बोल दिया कि जब मैं जाती हूँ और तब जब शानू की माँ इधर उधर हो जाती है तो मैं कटोरी चम्मच चुपचाप अपने अटैची में भर लेती हूँ, और जब शानू कुछ सिमर के लिए लेकर आता है तो मैं कपड़े अपड़े और खिलौने वगैरह भी सब अपनी अटैची में भर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब जैसे ही पब्लिक को ये सारी बातें सुनने को मिली, पब्लिक तो भड़क उठी क्योंकि शोएब को अगर देखा गया वो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा यूनिटी है, हम लोग बहुत जुड़े हुए लोग हैं। अब ऐसे में अम्मा का ये स्टेटमेंट आना और ऐसी बातें आना, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स लोग तो दूसरा मतलब निकालेंगे। फ्रेंड्स, सुनने में भी यहाँ तक आया है कि अम्मा का मुंबई जाने का जो टिकट हुआ था, शायद हाल ही में वो मुंबई जा रही थी, बट अभी वो कैंसिल हो गया है। फिलहाल तो दीपिका और शोएब ने इस पूरे मामले में कोई रिएक्शन देने से मना कर दिया है। हाँ, ये देखा गया है कि सबा जो कि मौदाहा में है वो अम्मा से मिलने उनके घर जब गई थी तो अम्मा बेचारी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। ऑब्वियसली उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। हालांकि सबा ने भी इस मैटर के बारे में ना तो कोई डिस्कशन किया ना ही इस बारे में कुछ बोला। हाँ, अम्मा से लेकिन वो बहुत अदब से पेश आई और खुश हुई। तो गाइज, इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत है, प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे की अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, हमें गंद में नहीं घुसना है।